हेलो व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से अपनी ऐप और इम्पॉर्टेंट डाटा को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कहीं भी शो नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी हाँ, क्योंकि कल आपके इस चैनल ने 200 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, 200 सब्सक्राइबर्स, और अब तक 9 नए सब्सक्राइबर और जुड़ चुके हैं। तो व्यूअर्स, आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें, इससे हमें और अच्छे अच्छे वीडियोज़, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, और मैं चाहूँगा कि हम जल्द से जल्द अपने 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से होता ये है कि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं वो आप तक डायरेक्टली मेल के द्वारा आपके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर आ जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई खर्चा नहीं होता है, और इससे आपको वीडियोस दोबारा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो नए व्यूअर्स अभी हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और जो हमसे जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब करने के लिए देख सकते हैं उनकी वीडियो स्क्रीन के नीचे, जैसे इसमें मैं दिखा रहा हूँ, ये सब्सक्राइब का रेड बटन होगा, रेड कलर का है, मतलब आपने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप जल्द से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर लें। इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, क्लिक कर लें, आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, ये नोटिफिकेशन के लिए आप उसको भी क्लिक कर लें, तो इससे जो भी वीडियोस बनेंगे वो डायरेक्टली आपके मेल पर आ जाएंगे, आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि आप अपने इंपॉर्टेंट ऐप्स और डाटा को किस तरह से हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर एक छोटी सी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। जी हाँ, इस ऐप का नाम है सी लॉन्चर। तो देखिए, इस ऐप के 10 मिलियन डाउनलोड्स हो रखे हैं और इसकी रेटिंग 5 में से 4.5 है, बेस्ट रेटिंग कहीं मानी जाती है 4.5। तो ये इसकी रेटिंग बहुत हाई है और डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा है। कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, इसके कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। चलिए, हम पहले इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड हो चुकी है, आप देख रहे होंगे इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह का इंटरफेस आता है। तो इस तरह का आपको कुछ व्यू मिलेगा स्टार्टिंग में, आप इसको आगे बढ़ते जाएँ स्क्रॉल करके। दोस्तों, अब हम गेट स्टार्ट पर जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐप को हाइड करने के लिए इसमें जो आपको दो हाथ दिखाई दे रही, उंगली दिखाई दे रही होंगी, फिंगर, इसको आपको स्क्रीन पर टच करके बाहर की तरफ स्क्रॉल करना है। ये कब करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको मेरा हाथ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए मैंने कहा यही समझा देता हूँ। अब गेट स्टार्टेड पर जाइए, कुछ इस तरह का आपको इंटरेस्टिंग इंटरफेस मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये आप देख रहे होंगे पेज में, इसमें क्या है, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट, इन तरह के अलग अलग कस्टमाइज़ कर देता है कि इसके अंदर इन चीज़ों को डाल देगा। जैसे सोशल के अंदर आपको फेसबुक मिल जाएगा, मैसेंजर मिल जाएगा, जीमेल मिल जाएगा, जो भी सोशल ऐप्स हैं आपको। मीडिया के अंदर आपको म्यूज़िक प्लेयर, प्ले म्यूज़िक, MX प्लेयर, जितने भी मीडिया से रिलेटेड हैं, प्लेयर से रिलेटेड हैं, वो इसमें आ जाएंगे। और नीचे देखिए रिकमेंडेड बताता रहता है कि आपको कौन कौन सी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। हम इसे हटा देते हैं, तो काफ़ी अच्छा इंटरफेस आ जाता है। चलिए, हम बढ़ते हैं हाइड ऐप की तरफ। तो आपको करना क्या है, आप अब देखिए, आप अपने स्क्रीन को दो फिंगर से टच कीजिए, तो आपको ये दो डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, वैसे अपनी फिंगर्स को बाहर की तरफ स्लाइड कीजिए। तो बाहर की तरफ स्लाइड करेंगे तो देखिए इस तरह का पेज खुल जाएगा हाइड ऐप करके। अब आप नीचे सेटिंग दिख रहा है, उस पर क्लिक करें सेटिंग बटन में, और यहाँ पे एक पासवर्ड बना लें। मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4, सिंपल सा पासवर्ड कन्फर्म कर लेते हैं 1 2 3 4। और ये देखिए, आपको इस तरह का ट्रेजर बॉक्स दिख जाएगा जिसमें आपकी ऐड ऐप्स हाइड हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक ये दिखाई दे रहा है बटन जो मैं दिखा रहा हूँ, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, मेरे पास 85 ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, तो मैं यहाँ पे ऐप्स को क्लिक करूँगा, और या किसी भी डाटा को, या जो भी आइकन दिखे उन पर क्लिक करूँगा और वो हाइड हो जाएंगी। तो चलिए, हम कुछ ऐप्स ले लेते हैं। तो लेने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे में इंस्टॉल्ड ऐप कौन कौन सी हैं। जैसे ये आपको इतनी सारी ऐप्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं उसको दिखाने से पहले आपको स्क्रीन पे दिखा दूँ कौन कौन सी है। तो मैं इस समय जैसे MX प्लेयर, ओला, और आपका हॉट स्टार, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, हॉट स्टार को हाइड करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर से वही काम करते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने फिंगर्स को, पासवर्ड डाल लेते हैं, ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं।
तो हम इसमें ढूंढ लेते हैं अपनी ऐप कौन सी है, आपका हॉटस्टार, और दूसरी होगी ओला, और तीसरी है हमारी एमएक्स प्लेयर। हम इन तीन को हाइड करते हैं, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। हम ओके पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए एक और ऐप है, ये नोटिफिकेशन देता रहता है तो डाटा ऑन होगा। इंस्टॉल LOCX, ये ऐप क्या है आपकी फ़ोटोज़ को भी हाइड कर लेती है, तो ये आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए हम ये तीन ऐप जो हैं हमारी अलग से आ गई हैं हाइड के लिए, ये हाइड हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अब हम बाहर निकल आते हैं यहाँ से, और देख लेते हैं हमारी ऐप है कि नहीं है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पे कहीं भी ओला, एमएक्स प्लेयर या हॉटस्टार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस पे भी एमएक्स प्लेयर, ओला नहीं है, हॉटस्टार भी नहीं है। आप पॉज करके देख लीजिएगा, इसमें भी हमारे तीनों में से कोई ऐप नहीं है। इस पेज पर भी कोई नहीं है, ये लास्ट पेज तो इसका अपना पेज है, तो कहीं नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ऐप जो है हाइड हो चुकी हैं। चलिए अब हम अपनी ऐप्स को अनहाइड करके देखते हैं। हाइड तो हो गई है, अब हमें इसे अनहाइड करना है। तो उसके लिए हमें फिर वापस वही करना है, अपनी दोनों फिंगर टच करनी है, उन्हें बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है। उस पेज पर वापस आ गए, ये हमें हाइड दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इसको अनहाइड करते हैं। अनहाइड करने के लिए हम यहाँ से क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सीधे वो ऐप खुल जाएगी। तो हम फिर से वापस यहीं ऊपर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे ये, और ये देखिए जो हमारी हाइड ऐप थी ये तीनों आ गई हैं, हम हाइड कर सकते हैं। अच्छा, डाटा हाइड करने, देखिए आप क्या करते हैं, अपना ये फाइल मैनेजर है इसे हाइड कर लीजिए, गैलरी है उसे हाइड कर लीजिए। तो जब ये दिखेगा ही नहीं, लोग देख ही नहीं पाएंगे, मेनली फाइल मैनेजर से या वीडियो प्लेयर से या फोटो से लोग डाटा तक पहुँच पाते हैं आपके। तो आप फाइल मैनेजर को ही गायब कर दीजिए, ठीक है, अपना फोटो व्यूअर को और वीडियो प्लेयर को गायब कर दीजिए, फिर कोई आपके डाटा को छू ही नहीं सकता है। चलिए हम इसे, और सबसे बड़ी बात है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। चलिए हम इन तीनों को वापस लाते हैं, MS प्लेयर, हॉटस्टार एंड ओला गैप, हमने अनहाइड कर दिया है। अब हम इसे ओके करते हैं, ये देखिए ट्रेजर एंड बॉक्स फिर से खाली हो गया है। ठीक है, अब हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारी ऐप वापस आई कि नहीं। तो दोस्तों हम स्क्रीन की तरफ पीछे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐप आई कि नहीं आई। तो ओके, हाँ, तो ये देखिए हमारा क्या था, MS प्लेयर वापस आ गया अपनी जगह, ओला कैब्स भी अपनी जगह वापस आ गया है, और हमारा था हॉटस्टार, हॉटस्टार देखते हैं, जी हाँ हॉटस्टार भी अपनी जगह वैसे ही वापस आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी ऐप हाइड भी हो गई है और वापस भी आ चुकी है। और कई बार क्या होता है, कभी कभी एक ऐप वापस आती है, बाकी ऐप्स आने में थोड़ा टाइम ले लेती हैं, तो आप घबराए नहीं। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरफेस लेयर है, आप अपने बीच वाले बटन को दबाइए और यहाँ पे आपको ये पेज दिखाई देगा। तो आप उसके लिए क्या करिएगा, एक बार अपना लॉन्चर जो है, आपका ओरिजिनल जो व्यू है उस पर आप आ जाइएगा, जस्ट व्यू, ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल व्यू आ गया है, जो हमारा ऐप को इंस्टॉल करने से पहले जो हमारा थीम चल रही थी उस पर आ गए हम। और अब देखिए हम वापस वहीं जाते हैं, ये सी लॉन्चर ऐप आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे आप इसके इंटरफेस में आ जाएंगे। अब तो आप सी लॉन्चर के इंटरफेस में आ चुके हैं इस समय। तो आप एक दो बार ऐसा करेगा तो आपको वापस सारी ऐप दिखाई दे जाएंगी। तो इस तरह से व्यूअर्स आप अपनी ऐप्स को हाइड कर सकते हैं और अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं। और आप यहाँ पर भी अपने ऐप्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे आपको डालना है तो इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये ट्रिप वाली ऐड है तो यूबर ऐड है, तो मैं इसको ओला जो हाइड कर ली थी वापस ऐड कर लेता हूँ। तो आप इस तरह से अपने आप को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, देखिए ओला आ गया है। तो आप यहाँ से भी जल्दी जल्दी आप इंटरफेस से जाके आप अपने आप को किसी भी चीज़ पर तुरंत पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना जरूर, लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियो को। स्क्रीन के नीचे आपको लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक कर लें। और अगर कोई भी क्वेरी हो कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक पेज पर जुड़कर आप मेरे साथ वहाँ पे भी टच में रह सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, गिविंग योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।